Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. So today we are having a very important question from Central Force Motion. हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से जो सेंट्रल फोर्स मोशन है उसके सारे क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकते हैं. सो वी आर हैविंग अ क्वेश्चन हियर. अ प्लैनेट is revolving around the sun. ये क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जाम में, गेट, नेट, जेस्ट, टी आई एफ आर, सारे एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट जिसकी सेमी मेजर एक्सेस गिवन है आपको, ऑफ सेमी मेजर एक्सेस ए एंड एसेंट्रिसिटी इज ऑल्सो गिवन टू यू. इज रूट 3/2 At certain instant, of time, velocity vector of planet making thirty degree angle with the radial line. Then radial line. So what is distance of planet from the sun? You have to find out what is the distance of planet from द सन. आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी अच्छे से. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है. सो द सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोग पिक्चराइज करेंगे पूरी जो भी सिचुएशंस के बने. तो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के बने तो आप एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाएंगे. एंड जो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है इसमें सन हमेशा एक फुकाई पर रहता है, दैट यू नो वेरी वेल. तो मान लेते हैं सन यहाँ पर है जिसका मास कैपिटल एम है और जो प्लैनेट है उसका मास स्मॉल एम है. ये हमेशा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. और इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एट दिस इंस्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू टी कुछ टाइम मान लेते हैं, तो ये जो एंगल बना रहा है विद दिस रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन होगी और ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री. ठीक है, तो हमेशा सबसे पहले पिक्चराइज करें सिचुएशन को. तो इस प्लैनेट की सन से जो डिस्टेंस है दैट इज आर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू सेंट्रल फोर्स मोशन देन वॉट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू यूज द एनर्जी कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. तो सबसे पहली चीज आपका जो एनर्जी रहती है प्लैनेट की दैट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पर देखिए एनर्जी की हम बात करें तो जो एनर्जी होगी दैट कैन बी रिटर्न एज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी देखिए इस प्लैनेट की इस सन से डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इट्स माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर. एंड द काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटर्न एज हाफ एम वी स्क्वायर बिकॉज वेलोसिटी इज वी. तो हमेशा आपको एनर्जी को क्या लिख देना है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर. ये आपकी एनर्जी की वैल्यू हो गई. अभी इस इंस्टेंट पे ये जो रेडियल वेक्टर है रेडियल दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ये आपका रेडियल वेक्टर है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है और दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है. तो हम एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं. सो द एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर साइन थीटा और यहाँ पे एंगल कितना है साइन 30. तो ये कितना हो गया यहाँ पर, इट्स एम वी आर बाई 2. क्लियर, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 पुट कर दी तो एम वी आर बाई 2 हो गया. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए वो क्या रहता है. यदि आपको याद है अच्छे से
तो ठीक है, नहीं तो आप डिराइव भी कर सकते हैं। वैसे आपको याद रखने हैं फार्मूलाज, मैं इसके बाद में एक छोटा वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है सेंट्रल फोर्स मोशन के, उसको हम इंक्लूड करेंगे एक पीडीएफ में। ओके, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू दैट पीडीएफ एज वेल। उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल फिजिक्स क्वीन ज्वाइन कर लें और उसमें मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी रिलेटेड टू ऑल द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। तो एल जो होता है फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, दैट इज गिवन एज एम रूट, क्योंकि एसेंट्रिसिटी गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो आप एसेंट्रिसिटी वाला फार्मूला लिख देंगे, जी एम ए 1 - e². दिस इज द एंगुलर मोमेंटम गिवन टू यू फॉर एनी एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आप इसे मेमोराइज करें, इट्स एम रूट जी एम ए इज सेमी मेजर एक्सेस, एम इज द मास ऑफ सन, एम इज मास ऑफ प्लेनेट, जी इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ई इज द एसेंट्रिसिटी हेयर। तो यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ से निकाली कितनी है, एम वी आर बाई टू, ये एक्चुअल एंगुलर मोमेंटम है एट दैट इंस्टेंट, और एक इसके इक्वल होगा एलिप्टिकल ऑर्बिट के मोमेंटम के इक्वल होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं रूट जी एम ए 1 - एसेंट्रिसिटी आपको गिवन है रूट 3/2, ई स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 3/4। तो यहाँ से कितना आ गया, एम विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी आर बाई टू इज इक्वल्स टू रूट जी एम ए 4, बिकॉज यहाँ से 1/4 रिमेनिंग रहेगा। सो ये आपकी वैल्यू मिल गई है आपको इसके लिए। अभी हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी होती है एलिप्टिकल ऑर्बिट की, दैट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द सेमी मेजर एक्सिस, को इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, और जो एनर्जी होती है एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, दिस इज फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट, याद रखिएगा। मैं सर्कुलर एलिप्टिकल के सारे फार्मूलाज आपको प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, एंड एलिप्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी होती है माइनस जी एम एम अपॉन 2a। आप सभी को पता है इट इज़ ओनली डिपेंडिंग ऑन द सेमी मेजर एक्सेस, याद रखिएगा ये कंसेप्ट भी, कि जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी सिर्फ सेमी मेजर एक्सेस पर डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन सेमी मेजर एक्सेस, यानी माइनर एक्सेस की डिपेंडेंसी नहीं रहती है एनर्जी पे कुछ भी। तो ई आपको कितना मिल गया, माइनस जी एम एम अपॉन 2a, और आपको पता है जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल थी, दैट वाज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे एंड देन इट इज गोइंग टू बी जी माइनस जी एम एम अपॉन, सॉरी कैपिटल एम है एक, अपॉन 2a, एंड इट्स इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस हाफ एम। अभी आप वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, वी स्क्वायर यहाँ से, तो यहाँ से वी कितना आ जाएगा, आप वी को लिख सकते हैं 2/r रूट जी एम ए 4, तो रूट 4 से 2 कैंसिल हो गया, सो वी स्क्वायर को आप कितना लिख सकते हैं यहाँ से, इट्स जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर पुट कर देंगे यहाँ से जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर। आई होप क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली। तो दोनों ही चीज़ें एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अभी देखिए यहाँ से जी एम और एम तीनों ही कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ से आपके पास रिमेनिंग पार्ट रहेगा 1/2a, यहाँ से रहेगा माइनस का 1/r, और यहाँ रहेगा ए अपॉन 2r स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी एंड इट्स गोइंग टू बी आर स्क्वायर के माइनस का 2ar हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा इधर आके प्लस का ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। मैंने पूरे को 2ar स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, ठीक है। अभी यहाँ से हमें पता, हम इसे लिख सकते हैं r माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, देन r इक्वल्स टू a विल बी योर आंसर। सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आपको सबसे पहले तो एनर्जी पता होनी चाहिए कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में एनर्जी होती है माइनस जी एम एम अपॉन 2a, उसको आप इक्वेट कर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर से। सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम आप इस इंस्टेंट पर निकाल सकते हैं, उसको आप एलिप्टिकल के एंगुलर मोमेंटम से इक्वेट कर देंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू एनर्जी कंजर्वेशन वाले इक्वेशन में लगाएंगे टोटल एनर्जी से, तो आपको आर इक्वल्स टू ए मिल जाएगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और ऐसे डिटेल कोर्सेज में आप पढ़ना चाहते हैं सेंट्रल फोर्स मोशन को पूरा डिटेल में, कि कैसे हम शुरू से प्रोसीड करेंगे, क्या क्या
चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो उसके लिए आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ द रेफरल कोड सुरभि लाइफ फॉर 10% डिस्काउंट. थैंक यू एवरी वन, एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल.